दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन दबाए स्मार्टफोन और गैजेट रिव्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में एक गेमिंग का रिव्यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों गेमिंग रिव्यू हम लोग पहले छोटे गेम्स जैसे सबवे सर्फर और टेम्पल रन 2 जैसे गेम्स खेलेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े गेम्स जैसे नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स, एसफल्ट 8, एसफल्ट एक्सट्रीम, रियल रेसिंग 3, मॉडर्न कॉम्बैट, ये सब गेम्स खेल के देखेंगे ये सब गेम प्ले इसमें कैसा होता है। और दोस्तों गेमिंग रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P20 का प्रोसेसर, 4GB की रैम और माली का T880GPU मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करके देखते हैं गेमिंग रिव्यू कैसा होता है। दोस्तों सबवे सर्फर गेमिंग इसमें बहुत ही अच्छा चला, कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स इसमें नहीं दिखा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं टेम्पल रन इसमें कैसा प्ले होता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा नीड फॉर स्पीड भी काफ़ी अच्छा चला, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग के इशू इसमें देखने को नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते एसफल्ट 8 और एसफल्ट एक्सट्रीम खेल के देख लेते ये दोनों कैसा प्ले होता है। और दोस्तों गेम शुरू करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ इसके जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स मैंने हाई सेटिंग्स पर करके रखा है। तो चलिए देख लेते हाई सेटिंग्स में ये गेम कैसा प्ले होता है इस डिवाइस में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग्स हाई सेटिंग्स में दिया गया है, चलिए गेम को प्ले करके देख लेते हैं। Yeah!
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा एसफल्ट 8 काफी अच्छा चला इस डिवाइस में, हाई ग्राफिक सेटिंग्स में भी इसको खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते एसफल्ट एक्सट्रीम को खेल के देख लेते एसफल्ट एक्सट्रीम इसमें कैसा प्ले होता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा एसफल्ट एक्सट्रीम भी इसमें काफी अच्छा चला, इसमें भी कोई लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप्स की इशू देखने को नहीं मिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेल के देख लेते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 इसमें कैसा प्ले होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा मॉडर्न कॉम्बैट 5 भी इसमें काफ़ी अच्छा चला, कोई फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग की इशू मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिला, बहुत ही अच्छा गेम प्ले हुआ और इसका गेम प्ले भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों गेमिंग की अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में छोटे से बड़े गेम हर गेम्स को इसने आसानी से हैंडल कर लिया, कोई भी गेम खेलते टाइम इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। और एक बात मुझे बोलना ही पड़ेगा दोस्तों, मैंने लगभग 20 से 25 मिनट तक गेमिंग किया और यहाँ पे मुझे हल्का सा भी हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिल रहा है, फोन एकदम भी हीट नहीं हुआ है। हाथ लगाओ तो एकदम नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर है, थोड़ा भी बहुत हीटिंग नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हीटिंग आपको इसमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, गेमिंग करते टाइम आपको हीटिंग की इशू इसमें नहीं आएगा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हालांकि इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है फिर भी गेमिंग में इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स का एक गेमिंग रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों और आपका दिन शुभ हो।